वेलकम टू सोन क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल सोन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे क्लास टेंथ के विद्यार्थियों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हो सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर टू का एकदम आसान समरी हिंदी में। तो क्या होगा, किस तरीके की होगी इंटरेस्टिंग कहानी, जानेंगे सब कुछ। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी थिप्स स्टोरी जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी में से है, जहां से बनते हैं आपके पूरे बेस्ट क्वेश्चन कितने 12 नंबर के। ये कैसी आएगा, कैसी आप पाओगी 12 नंबर। कहानी क्या है, एक चोर जो बचपन से ही चोरी करना सीख लिया था 15 सालों से, अब वो 15 साल का पेशेवर चोर कह ले तो कहने का तात्पर्य है वो चोर अचानक एक ऐसे व्यक्ति के घर रहने लगता है जहां वो बिना वेतन के भी काम करने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह उसके पैसे को चुरा के भाग जाता है। लेकिन यह व्यक्ति अनिल नाम का यह व्यक्ति जो क्या होता है, उसको कुछ पढ़ाना लिखाना इसलिए सिखा देता है, वेतन तो नहीं देता है, ताकि इसका जीवन आगे चल के बहुत बेटर हो जाए। तो वह चोर जब चोरी चर के जाता है तो उसके दिमाग में आता है क्या उसने सही किया है या गलत, क्या उसको उसके पास जाना चाहिए या इस पैसा लेकर जाके अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। इन दोनों बातों के बीच ये कहानी की शुरुआत होती है। तो क्या होता है इस कहानी में, चलिए अब जानने के लिए हम इस कहानी को रीड करते हैं। सबसे पहले आप अपने अपने बुक को लेकर अपने पास बैठ जाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिएगा तो कह रहा है कि आई वाज स्टील अ थीव, ठीक है। कहानी में कह रहा है कि आई वाज स्टील अ थीव, मैं हमेशा से एक चोर था। जब आई मेट अनिल, मैं अनिल से मिला, ठीक है। अब इस कहानी कथाकार कह रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं उस समय भी एक चोर था। एंड दाउर यद्यपि ओनली 15, चूंकि मैं मात्र 15 साल का था तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो मैं एक अनुभवी और बहुत ही सफल चोर बन चुका था। कह रहा है ये कहानी के नैरेटर कह रहे हैं कि जब मैं आप क्या 15 साल का था तो मैं एक पेशेवर चोर बन गया था। अनिल वॉज वॉचिंग रेस्टलिंग मैच, अनिल क्या कर रहा था, एक क्या कुश्ती का मैच देख रहा था। अनिल जो है, एक दिन अनिल नाम का व्यक्ति क्या कर रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात कहां से है, ठीक है। अब यहां से अनिल कौन आ गया, अब अनिल का परिचय अब आपसे हम करा देते हैं, ठीक है। अनिल क्या है, एक दिन अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। When I approached him, तभी मैं उसके पास पहुंचा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था, उस दिन कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, वो 25 साल का था, लंबा लीन फेलो और एक पतले मांसपेशी पतली हड्डी वाला वो व्यक्ति था, वो लंबा और एक क्या है पतली और हड्डी नक्शे वाला व्यक्ति था 25 साल का। And he looked easy going, ठीक है, a kind and simple enough for my purpose. और वो दिखने में बहुत ही आसान और दयालु और मेरे उद्देश्य को पूरी तरह पूरा करने वाला दिखता था। यानी मैं जिस उद्देश्य से अनिल के पास चोरी के उद्देश्य से जाना चाहता था
वो मेरे उद्देश्य को पूरा करने वाला दिख रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक लेट एंड थॉट, और मैंने ज्यादा देरी नहीं की एंड थॉट, और मैं सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन मुझे अब उतना तो ज्यादा अपने भाग्य पे भरोसा नहीं था देर तक, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति के आत्मविश्वास को बहुत जल्दी जीत लूंगा, मैं इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी जीत लूंगा, विश्वास बहुत जल्दी जीत लूंगा। यू लुक अ बीट अप रेस्लर योर सेल्फ, आप अपने आप को थोड़ा देख सकते हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, कहा अनिल ने, अनिल से ये कहा क्या, इस चोर का नाम था हरी सिंह, इसने कहा क्या कि अरे आप तो अपने आप में ही एक पहलवान है। कहा कि यू लुक अ बीट अप रेस्लर योर सेल्फ, आप अपने आप में खुद पहलवान दिखते हैं। अब बताओ ऐसी ऐसा फेंकू बढ़ाई, क्या वो बेचारा पतली हड्डी वाला व्यक्ति उसको कह रहा है कि अपने आप में आप बहुत बड़े पहलवान दिखते हैं। और लिटिल फ्रेंड, थोड़ी सी चापलूसी हेल्प्स, मदद करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में, और थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, अनिल बोला कि अरे पहलवान तो तुम भी दिखते हो भाई, जब पहलवान मुझे कह सकते हो तो मुझसे अच्छा पहलवान तो तुम हो, ठीक है। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट, इस बात ने मुझे कुछ देर के लिए रोक दिया, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं काफी पतला था, ठीक है। वेल अच्छा अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, अरे मैंने मजाक किया, आई डोंट रेसलर अ बीट, मैं थोड़ी सी रेसलिंग करता हूं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ मैं थोड़ा रेसलिंग कर लेता हूं, थोड़ी पहलवानी कर लेता हूं, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, हरीश सिंह, आई लैग, मैंने उत्तर दिया कि उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने भी जवाब दिया मेरा नाम हरी सिंह है, क्या मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। हरी सिंह कह रहा कि मैं हर महीने तो मैं अपना नाम बदलता था, एंड दैट केप्ट मी ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से हमेशा बचाए रखता था, मैं हर महीने अपना नाम चेंज किया करता था, क्यों, पुलिस से बचने के लिए। क्वेश्चन पूछेगा हरी सिंह अपना नाम क्यों बदलता था, ठीक है, पुलिस से बचने के लिए। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और अपने पहले के क्या कर्मचारियों से, सहयोगियों से बचने के लिए मैं नाम बदलता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने पूरी अच्छे से तेल मालिश किए हुए पहलवान से बात किया, हु आर ग्रंटिंग लिफ्टिंग, ठीक है, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, हाँ एक दूसरे को क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। अनिल उस वैसे पहलवानों से बात किया, आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को तो कुछ था नहीं, अरे मेरा इरादा ही कुछ और था। हरि सिंह कह रहा है कि मेरे पास कहने को तो कुछ था नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, और अनिल क्या किया, अनिल चलता बना। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, वो फिर से कहा अरे सुनिए। अब अनिल आगे बढ़ गया, अनिल वहां से जब कुश्ती का मैच देख के अनिल बढ़ने लगा, हरी सिंह उसके पीछे जाने लगा, कहा हेलो भैया, अरे सुनो फिर, कहा सुनिए। और आई गेव हिम, मैंने उसे दिया माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी बहुत प्यारी स्माइल दी, हाय अनिल भैया, मैंने उसे बहुत प्यारी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, अनिल भैया मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बट आई कॉन्ट पे यू। अनिल कहा ठीक है, आवा कर ला,
लेकिन पैसा ना दे, यानी आओ मैं काम दे सकता हूं लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, अनिल बोला। फिर क्या हुआ, आई थॉट दैट मैंने सोचा कि ओवर फॉर अ मिनट, और मैंने कुछ पल के लिए इस विचार के अरे बाप रे बाप, कह रहा पैसा नहीं दे सकता अब क्या करी, कैसे कहीं कि काम करो, मेन तो इसका उद्देश्य काम करना नहीं, अनिल के घर चोरी करना था। परहैप्स शायद आई हैड मिसजज माई मान, ठीक है, शायद मैं माई ठीक है मिसजज माई मैन, शायद मैं उस व्यक्ति को गलत ही सोच लिया था, हमको लगा कि बहुत पैसा वाला हो, भाई तो भिखारी निकल गया, कह रहा पैसे ही नहीं देंगे, कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं हो गया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर हरि सिंह कह रहा कि तब उसके बाद मैं कुछ देर सोच के बोला क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, आई कैन कुक आई लाइट अगेन, नहीं उसने अनिल ने पूछा कि कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, दूर से बात हो रही थी तो कहा आई कैन कुक आई लाइट अगेन, मैं फिर बोला हां मैं खाना पका सकता हूं, इफ यू कैन कुक यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें खिला सकता हूं, तुम अगर बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूं, भैया इतना काम तो जरूर कर दे, मेहनत कम, हमें हमको ही आ जाए कोई बनाने वाला, ठीक है बना के खिलाए, वो हमको खाना बना दे और हम उसको खिलाते रहें, क्या दिक्कत है, समय बचेगा, रोज अपने से जा कितने रात को जाने के बाद खाना बना के खाना पड़ता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द, वो मुझे ले गया टू हिज रूम अपने रूम पर ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह जमुना स्वीट शॉप के पास अपने रूम के ले गया एंड टोल्ड मी और मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूं, उसने कहा कि तुम जो है जाके बालकनी में सो सकते हो। बट द मील लेकिन भोजन आई कुक्ड ठीक है दैट नाइट, मैं उस रात भोजन पकाया, आई मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज, लेकिन वो बहुत क्या है बहुत परेशान ही भरा था, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू स्ट्रेट डॉग, मैं उस रात भोजन जो पकाया था वो बहुत ही भयानक रहा होगा, अनिल का ये हरि सिंह कह रहा है कि मैंने जो उस रात भोजन पकाया तो भोजन बहुत ही भयानक था, बहुत ही मुसीबत भरा भोजन था, काहे क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल उसको दे रहा था स्ट्रेट डॉग ठीक है, फालतू कुत्तों को बाहर खड़े कुत्तों को भोजन खिला रहा था, इसका मतलब खाना बढ़िया नहीं बना था। एंड टोल्ड मी और मुझे बताया टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड लेकिन, और मुझे कहा कि ठीक है सही है, बट आई जस्ट हंग अराउंड लेकिन मैं भी फिर भी उसके चारों तरफ आगे पीछे होता रहा कि बात क्या है, मैं जानने की कोशिश करता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बहुत कोशिश करे फिर एक बार मुस्कुराया अनिल भैया, एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग और हंसने में इस बार मेरी मदद नहीं की, मैं इस बार खुद खूब हंसा, हंस के बोला अरे अनिल भैया। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उन्होंने मेरे सर पे थपथपाया, टैग शबाश शबाश बनाए, तो कोई भी व्यक्ति कुछ खराब भी बनाए अच्छा बनाए पहली बार उसको सपोर्ट करो वो अच्छा बनाएगा, एंड सेड नेवर माइंड, कहा कि कोई बात नहीं होता है। अब उसके बाद क्या हुआ ध्यान देना, ही हैड टीच मी टू कुक, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, अब देखो अनिल ने क्या किया, मुझे खाना, हरि सिंह कह रहा है कि मुझे खाना बनाना सिखाया, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, अनिल ने चोर हरि सिंह को ठीक है क्या नाम लिखना सिखाया, हरि सिंह कह रहा है कि ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, एंड ही एंड सेड
ही वुड सून, और कहा कि वो जल्द ही टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, वो मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा। उसने मुझसे कहा घबराओ मत हरी सिंह, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही पूरा बड़ा सा वाक्य लिखना सिखाऊंगा। एंड टू एड नंबर्स, और नंबर लिखना भी सिखाऊंगा, संख्याएं लिखना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी हो गया, मैं उसके एहसान तले दबने लगा। रही वाह, यानी मैं क्या करने आया था, क्या इंसान मेरे लिए कर रहा है। ठीक है, आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता हूं। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ठीक है, मैं जानता था कि अब मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता हूं। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट कुड अचीव, और मैं बता नहीं सकता कि मैं अब कितना क्या चीज प्राप्त कर लिया हूं। आई कांट एक्सप्लेन वाली बात हो गई। हरी सिंह कह रहा है मैं इतना कुछ उसने मुझे सिखा दिया था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, कुछ बड़ा ज्यादा मैं कितना पा सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना सीख लिया था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, अनिल के लिए काम करने में बहुत ज्यादा आनंद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में चाय बनाई। ठीक है, हरी सिंह कह रहा है कि मैंने सुबह में चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं दिन के क्या खरीदारी करने के लिए चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट फॉर अबाउट अ रूपी अ डे, और मैं फिर क्या करता, मैं खाना पकाने के बाद, ठीक है, वस्तुओं को खरीदने के लिए मैं मार्केट चला जाता था। और जब आई यूजुअली रोज मेकिंग अ प्रॉफिट, लाभ कमाता था अबाउट अ रूपी अ डे, और हर दिन एक रुपए का मैं प्रॉफिट करता था, जाता था मार्केट में जो खरीदता था उसमें से एक रुपया बचा लेता था। हरी सिंह, आई थिंक, मैं सोचता था कि ही न्यू, वह जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, मनी मैं सोचता था कि वह जानता है कि मैं थोड़े से पैसे बना लूंगा दिस वे, इस तरह से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह ऐसा लगता था कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता, उसे पता था कि इस तरह से मैं पैसे जुटा लूंगा, लेकिन फिर भी अनिल इस सब बात, अनिल को इस सब बातों से कोई मतलब नहीं था, अनिल को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये हो गया, ये अनिल सिंह देखिए पढ़ना सिखा रहा है। अब एक बात और मैं बता दूं, आगे कहानी आपके तो कल होती रहेगी बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है और जाननी है, ये याद रखिएगा, आपको मिलते हैं मात्र, आप अगर चाहते हो इस कहानी को और अच्छे से पढ़ना है और अपने इंग्लिश की तैयारी, या हो मैथ या साइंस एसएसटी किसी भी चीज की तैयारी, तो मात्र 999 रुपए में आपको साल भर की तैयारी दी जाती है हर एक सब्जेक्ट की, जहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं 70 84 81 7009 पे, और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी दिए गए नंबर पे आप क्या है भेज सकते हैं, और आपको टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। और यदि आप यूज करते हैं मेरा ये कूपन कोड PIYUSH प्यूस सर, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की एक्स्ट्रा छूट। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए, और अब आपको मिल सकता है 899 रुपए में पूरे सेशन भर की तैयारी। देर नहीं करना है मेरे बच्चों। तो अब मैं पीयूष आर्या लेता हूं आप सबसे विदा, गुड लक।